Assalamu alaikum everybody. So yes, we have started our activities, normal activities in Edmonton. Today is 6th of August 2022. Our job join kar li hai, normal routine mein aa gaye hain. Today is Saturday. So I have done jo mera aaj jo kaam tha wo complete kar liya hai. और अब थोड़ा फैमिली को लेके निकलना चाह रहा हूँ. मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट एडमिंटन ज़रा सा भी नहीं देखा, सिर्फ घर, घर से थोड़ा बहुत काम पे, काम से काम की जगह, उसके बाद दोबारा घर, और अभी घर को ही सेट वेट करने में ही लगे रहते हैं. तो थोड़ा दिखाएंगे आपको, खुद भी एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करेंगे उसको. तो देखते हैं यहाँ पे हमारे घर के आसपास हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं, और इसी तरह से जो मुझे चीज़ चाहिए लाइक नीड सम एक्टिविटीज़, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. जी तो सबसे पहले ये कि अगर आप कहीं मूव हो रहे हैं किसी शहर में, तो सबसे पहले तो आप ये लोकेशन देखें कि आपको घर पे कहाँ, घर कहाँ पे चाहिए. बहुत सारी चीज़ें होती हैं शहरों में, डिफरेंट डिफरेंट इलाके होते हैं, कुछ जगहें हम अवॉइड करते हैं, और बंदे की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जगह पे रहना चाहता है. तो अगर मैं थोड़ा सा लाइक नॉट इन अ मिडल ऑफ लाइक अ डाउन टाउन काइंड ऑफ प्लेस में रहना पसंद नहीं करता, अदर देन दिस अगर आप के साइट्स में आए तो आपको वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नए और जो भी है थोड़ा सा खुला खुला इलाका मिल जाता है, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली रहना अच्छा रहता है. जैसे डाउनटाउन जो है 10-15 मिनट के डिस्टेंस में भी हो तो दैट्स गुड. सेकेंडली आपने ये देखना होता है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें कौन सी कहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं. अब मैंने जो चॉइस की जिस जगह को, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, 37th Avenue नॉर्थ वेस्ट, लेकिन यहाँ से मेरी जितनी भी चीज़ें, मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो 3-4 मिनट्स के डिस्टेंस में. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये मैं जस्ट अभी आपसे बात ही कर रहा हूँ, और वी आर ट्रैवलिंग हेयर, और आपने देखा होगा कि वॉलमार्ट आ गया. तो वॉलमार्ट हम लोग नॉर्मली जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी चीज़ें अदर देन ग्रॉसरी, जो एक किचन के सामान के अलावा, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरी भी अवेलेबल होती है वहाँ पे, बट वी डोंट प्रेफर इट जस्ट इन केस अगर हम कहीं नहीं जा पा रहे तो हम वॉलमार्ट से ले लेते हैं. अदरवाइज मेजरली आपके जितने भी क्लोथिंग्स का रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके होम की एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको वॉलमार्ट में बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं. तो ये देखें, जस्ट मेरे घर से 3 मिनट के डिस्टेंस में है. तो आपने भी अगर मूव करना है किसी भी शहर में कनाडा के, तो ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो होता है. तो ये थोड़ा देख लें कि कन्वीनियंट हो, घर से करीब हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कनाडा में रहने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, तो
यू नीड समथिंग, दिस इज कॉल्ड टिम हॉर्टन। सो टिम हॉर्टन भी बिल्कुल ही 2-3 मिनट की डिस्टेंस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी जगह पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब एक तरह का पूरा बिजनेस मॉल ही कहलाता है ये भी जगह, बट इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स आउटलेट्स वगैरह होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट चेक इज़ बेसिकली एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है, और यहाँ से आपको हाई क्वालिटी की स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स और चीज़ें मिल सकती हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है शॉपर्स, शॉपर्स एक ड्रग मार्ट है, और यहाँ पे हम लोग आते हैं फॉर किसी भी किस्म की, आपको ओवर द काउंटर अगर कोई दवाई चाहिए तो वो भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है तो आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं, वो प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यस, चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कन्वीनियंटली हमको चीज़ें मौजूद हैं। और भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, उनके डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, और डिफरेंट आउटलेट्स वगैरह में जाके ग्रॉसरीज या अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते हैं आप। हमारा ये है कि हम ज़्यादा अगर फास्ट फूड पे जाते हैं तो ये पपाइज आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी चिकन फ्राइड चिकन को वो करते हैं क्योंकि अल्बर्टा और सस्काचुआन में ये हमको हमारे मतलब को मिल जाता है। इसके साथ अब हम जा रहे हैं थोड़ा टिम हॉर्टन और लेते हैं अपने लिए कुछ कॉफ़ी वगैरह। ये टिम हॉर्टन ने एक नई चीज़ शुरू की है, और भी जगह होगी लेकिन मेरी अभी इत्तेफाक हुआ कि ये लोग जहाँ ऑर्डर ले रहे हैं वहीं पे वो कार्ड स्कैन करने के लिए भी कहते हैं और पेमेंट करने के लिए भी कह देते हैं। तो यानी कि या यू डोंट नीड टू गो टू द कैशियर ओवर देयर, आप सारी पेमेंट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग आप यहीं पे कर सकते हैं, और जाके आप विंडो से सिर्फ अपनी चीज़ लेके निकल सकते हैं। चलिए, ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें अगर आपके घर के करीब है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप मूव हो रहे होते हैं तो कुछ और भी सेगमेंट्स हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले ये कि आपको अपने एड्रेसेस चेंज करने होते हैं बैंक्स में, जहाँ पर भी आपका बैंक है, इस तरह मेरा RBC में है, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, तो वहाँ पर हमने एड्रेसेस चेंज करवाए। इसी तरह से आपका जितने भी दूसरे एडलेट से आप प्रीवियसली जहाँ रह रहे होते हैं तो आपको अपने बिल्स वगैरह रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल और एनी अदर काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ को डिस्कनेक्ट करवाना होता है। और फिर आप जिस तरह जहाँ नई जगह जाते हैं तो यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपने नाम पे उस एड्रेस पे करवानी पड़ती हैं। इसके अलावा जो दो चार चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट ये हैं कि आपने अगर किसी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ है, स्पेशली CRA है जहाँ पे आपका टैक्स सबमिट करवाते हैं, आप वहाँ पे आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है। तो मूवमेंट के चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बिल्कुल आपको ये चीज़ टॉप ऑफ द माइंड रखनी है कि एड्रेसेस आपको बर वक्त चेंज करवाना है। होम डिपो भी एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप घर से रिलेटेड टूल्स और एवरीथिंग जो कि आपके घर में आप यूज़ कर रहे होते हो, या जिस तरह मैं मुझे ज़रूरत होती है इक्विपमेंट्स की और टूल्स वगैरह की, तो मैं होम डिपो से ही परचेज करता हूँ, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
और हम लोग प्रेफर करते हैं कैनेडियन रियल कैनेडियन सुपर स्टोर फॉर ग्रॉसरीज। जब से आए हैं तब से यहीं से कर रहे हैं लोग, वॉलमार्ट से भी करते हैं, जो लोग ज़्यादा चीज़ें स्टोर करते हैं वो कॉस्को वगैरह से भी करते हैं। इसी तरह सास्केटून में था एक होल सेल स्टोर काइंड ऑफ थिंग, तो लुक करते हैं वहाँ से जहाँ पे उनको बल्क पे चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ से भी लेते हैं। लेकिन फॉर अस सुपर स्टोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन वेयर वी डू ऑलमोस्ट यू कैन से 100% या 99% ऑफ द ग्रॉसरीज एंड ऑल दिस थिंग्स हम यहीं से करते हैं। इसके अलावा देसी स्टोर्स वगैरह पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं। देसी स्टोर मेरे घर से थोड़ा सा 10-15 मिनट के फासले में है, बट डेफिनेटली वहाँ पे तो आप मंथ में एक बार या दो बार जाना होता है। डॉलर ट्री और डॉलरामा एक अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत छोटी छोटी एक्सेसरीज जो आप लेना चाहते हैं या बच्चों की चीज़ें लेना चाहते हैं, टॉयज रिगार्डिंग और स्टेशनरीज काइंड ऑफ थिंग, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। डॉलर ट्री कंपैरेटिवली डॉलरामा से चीपर होता है। इसी लोकेशन पे आपको बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा यहाँ पे मेरे अकाउंट हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये भी 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे हमारे घर से। ओके जी, अब चलते हैं रजिस्ट्री ऑफिस। ये जिस तरह SGI Saskatchewan में होता है, यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिसेज होते हैं। यहाँ पे आके आप मल्टीपल काम करवा सकते हैं अपने, लाइक आपको ID बनवानी है, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ कार्ड और इसी तरह से अपनी लाइसेंस प्लेट और ये सारी चीज़ें। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने तक आप लीगली अलाउड हैं कि आप सेम नंबर प्लेट पे यानी कि दूसरी प्रॉविंस के नंबर प्लेट को आप कैरी कर सकते हो। इसी तरह से 3 महीने तक आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपके प्रीवियस प्रोविंस जो है वही कवर करेगा, उसके बाद आपको अल्बर्टा हेल्थ कार्ड मिलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आप कब बनाना चाह रहे हैं अपना लाइसेंस और ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी जो है आउट ऑफ द प्रोसेस गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा के किसी मैकेनिक से जो भी हो तो उससे आप करवा के देन ही आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं, एज एन अल्बर्टा फ्लाइट ले सकते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखें।